हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे आरवी एनकॉन लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को ये कैटर करता है। और कंपनी के पास अराउंड 135 क्लाइंट्स है, जिन और ये अराउंड 3000 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पेरोल पे, जो थर्ड पार्टी कंपनियों में जाके काम करते हैं। और कंपनी एक देखिए प्रिफर्ड सर्विस प्रोवाइडर है एमएनसीज के लिए और बहुत सारे इंडियन कंपनीज के लिए भी। और इनके जो क्लाइंट लिस्ट, इसमें प्रेस्टिजियस कंपनियां हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, केन इंडिया, बैक्टेल, सेपेम, एलएनटी, पेट्रोफैक, इंजीनियर्स इंडिया, ये सारे कंपनियों को ये कैटर करता है। और इसके अलावा कंपनी का एक फॉरेन में सब्सिडरी है शारजाह में, और ये जो सब्सिडरी है ये वहाँ के मिडिल ईस्ट के ऑयल एंड सेक्टर कंपनियों को ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है वो सारा डिटेल्स दिया है, जैसे आईटी स्टाफिंग, मैन पावर आउटसोर्सिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, प्रोक्योरमेंट सर्विसेज, इंस्पेक्शन सर्विसेज, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस और शटडाउन सर्विसेज। टॉप क्लाइंट्स रेवेन्यू वाइज, इनका जो नंबर वन क्लाइंट है रेवेन्यू वाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 21 करोड़ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और परसेंटेज वाइज अराउंड 13.66%। बैक्टल इंडिया कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 12.75% ऑफ द रेवेन्यू, केन इंडिया अराउंड 10%, टेक्नीमोंट अराउंड 8%, और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी अराउंड 4.92%। और टॉप 5 क्लाइंट वाइज डिप्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, केन ग्रुप में अराउंड 627 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पेरोल पे, और एचपीसीएल में अराउंड 372 एम्प्लॉयज़, बैक्टल इंडिया में 268, क्लैंस इंडस्ट्रीज में अराउंड 212, और गमेसा ग्रुप में अराउंड 152 एम्प्लॉयज़ डिप्लॉयड हैं। टॉप 5 सेक्टर वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 41% ऑफ द रेवेन्यू, इंजीनियरिंग सेक्टर अराउंड 39, रिन्यूएबल एनर्जी अराउंड 5.7, पाइपलाइंस अराउंड 4, और एलएनजी से अराउंड 2.45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। और कंपनी को कुछ अवार्ड मिले थे, FY17 में केन इंडिया के ओर से सेफ कॉन्ट्रैक्टर का अवार्ड मिला था। टॉप 10 शेयर होल्डर्स, वीरेंद्र सांघवी के पास अराउंड 40% स्टेक है, निरंजना सांघवी के पास अराउंड 30%, और ये टोटल मिला के टॉप 7 शेयर होल्डर्स है जो ओन करते हैं अराउंड 100% स्टेक। और जो प्रमोटर्स एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट अराउंड 12 पैसा और 9 पैसा पर शेयर है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इश्यू, देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनको कुछ एक्वायर कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन करना है, उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इश्यू एक्सपेंस और लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए। और फंड यूटिलाइजेशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में अराउंड 10.78 करोड़ यूज़ होगा स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के लिए, अराउंड 4 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, अराउंड 4 करोड़ और इश्यू एक्सपेंस के लिए अराउंड 2 करोड़ रुपीज़। पीयर ग्रुप कंपनी में दो कंपनियों का कंपनी ने नाम यहाँ पे दिया है, जैसे टीम लीज सर्विसेज, जो राइट नाउ इनका कंसोलिडेटेड पी अराउंड 36 का है, और क्वेस्ट कॉर्प का जो कंसोलिडेटेड अगर हम वाइज पी देखेंगे तो अराउंड 100 का पी पे वो ट्रेड कर रहा है राइट नाउ। और फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, FY13 में जो इनका रेवेन्यू था अराउंड 78.5 करोड़ का रेवेन्यू था, FY14 में 96 करोड़, FY15 में 114, FY16 में 109 और FY17 में अराउंड 146 करोड़। यार इन सालों में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, अराउंड डबल हुआ है FY13 के कंपेरिजन से। और नेट प्रॉफिट वाइज अगर हम देखेंगे, FY13 में अराउंड 4.31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, FY17 में अराउंड 3.5 करोड़, यानी रेवेन्यू वाइज इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिप हुआ है। और EPS बैठता है इनका अराउंड 4.92, पी रेशियो अराउंड 10.98 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 15.23% है। और अब देखते हैं IPO के बारे में, ये IPO ओपन हो रहा है 21 सितंबर, क्लोज होगा 26 सितंबर, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, इश्यू प्राइस है 54 रुपीज़, मिनिमम लॉट 2000 शेयर्स, और ये कम्प्लीटली एक फ्रेश इशू है जिसमें अराउंड 39.34 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे, और इशू कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 26.61%, इशू साइज अराउंड 21.24, मार्केट कैप बैठता है अराउंड 79.83 करोड़, और ये लिस्ट करेगा NSE के SME प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।